ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन। है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होता है ना, जैसे मान लो अपन को ऐसे कितना है, 25.4, 23.56, 24.135, ऐसे अगर वैल्यूज है तो क्या करेंगे, अगर इनका सम करना है या इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, अगर इनका सम करना है या मल्टीप्लाई करना है तो अपन क्या करेंगे, ये माइनस करना है, जो भी अपन को करना है इनका, हम क्या करेंगे, इन सब में से ये चेक करेंगे कि किसमें डेसिमल के बाद लीस्ट नंबर्स है। तो इसमें 4 है, मतलब जो भी आंसर आप दोगे उसमें डेसिमल से 1 प्लेस तक ही आपको आंसर बताना है। तो अपन ऐड किए 5945 10.1, तो अपन इसको कर लेते हैं ऐसे, दैट इज कितना आ रहा था अपने पास 9 5 to 10, हाँ तो 10 में 0 कैरी 1 अपन ने लिखा, और 6 9 4 13 1 73.095। तो अपन इसको ना ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर देंगे, तो अपन इसको ना 09 को राउंड ऑफ करके आंसर क्या बता देंगे, 3.1। दिस इज द आंसर, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक ही आंसर बताना पड़ेगा। जिस नंबर में डेसिमल के प्लेस में सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर होगा आपको आंसर भी वही बताना है, दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसमें जैसे अपन को गिवन था ना, 3 वैल्यूज थे अपने पास, तो डेसिमल के फर्स्ट प्लेस तक आंसर दो, कितना गिवन है अपन को। अब इसमें हमने क्या किया, स्कूल में टाइट्रेशन करते हैं ना अपन, तो टाइट्रेशन में क्या होता है कि एक ब्यूरेट होता है और एक ऐसे बीकर होता है जिसमें अपन टाइट्रेशन करते हैं, बीकर में एसिड ले लेंगे और ब्यूरेट में बेस ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो ब्यूरेट होता है एक ट्यूब होता है ऐसे। अब इस एसिड को जो अपने यहां पर ले रखा है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज, इसमें रीडिंग होता है, तो मैंने 20 ml एसिड को 3 बार उसको क्या किया, टाइट्रेट किया, टाइट्रेट मतलब न्यूट्रलाइजेशन किया, तो ठीक है, एक बार मेरा वैल्यू आया 25 ml, एक बार मेरा वैल्यू आया 25.2 ml, एक बार मेरा वैल्यू आया 25.0 ml, और एक बार मेरा वैल्यू आया था 25.25 ml, ये 25.25 ml। तो अपन कहेंगे बताओ एग्जिट वैल्यू क्या होगी, तो अपन कहेंगे हर बार जब भी हम उसको ऐड कर रहे हैं अलग अलग वैल्यूज आ रहा है, तो ठीक है आप इनका एवरेज ले लो। तो एवरेज लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 54.25 मतलब 75, इसको मैं लिखूंगा 3 से डिवाइड करूंगा, तो 75.345, इसको 3 से डिवाइड करूंगा, व्हाट आई गॉट इज 25.15। तो अपन कहेंगे अब इसमें बता दो भाई डेसिमल के कितने प्लेस तक मुझे आंसर बताना है, तो मैं कहूंगा डेसिमल के आपको 3 प्लेस तक पता, बिकॉज ये 25 पॉइंट इतना आ रहा है अपने पास, तो डेसिमल के थर्ड प्लेस तक देना है ना अपन को, तो फिर थर्ड प्लेस तक लिखेंगे, तो अपन क्या करेंगे इसको 25.1 अपना आंसर। तो अब इसमें कितने डिजिट्स हैं, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 3, तो 3 विल बी द सिग्निफिकेंट फिगर, इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एक ये एक ये एक ये, जितने नंबर्स हैं इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कितने नंबर्स तक आपने उसको कैलकुलेट किया, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो बता सकते हैं ये, तो अपना वैल्यूज उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना था अपन को, सो आंसर इज 3। 3 के बाद मुझसे पूछा है, दैट इज 2 भी पूछा है किसी ने, और देखेंगे अपन, 2 भी पूछा है और 3 4 भी पूछा है, तो पहले पहले मैं 2 बता देता हूँ। इफ द कैथोड ऑफ इज अ मर्करी, ठीक है, द वेट ऑफ अमलगम फॉर्मड इन दिस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है कौन सा, ओके दैट इज अ कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भाई, जिसमें मतलब ऐसे बता देते हैं 4 मोलर NaCl है सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो अपन सबको पता है क्या होता है,
4 molar solution, molarity, and 500 ml of the solution is electrolyzed. So 4 molar solution of NaCl prepared and 500 ml of solution is electrolyzed. 4 molarity का 500 ml solution. इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें कैथोड और एनोड अपन अटैच करते हैं. ये आपका एनोड है क्योंकि पॉजिटिव बैंड है, ये आपका कैथोड है. दिस लीड्स टू द एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एट वन ऑफ द इलेक्ट्रोड. ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन गैस तो इधर ही लिबरेट होगा क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, तो इधर एनोड कैथोड रिएक्शन तो वैसे भी अपन को गिवन है, तो एनोड का रिएक्शन है उस पर क्लोरीन लिबरेट होगा. सोडियम एट द कैथोड, ठीक है भाई, तो सोडियम का डिपोजिशन इस पर होगा. फिर ये बोल रहे हैं अपन को कि दैट इज एट व्हाट एट कैथोड अपन को गिवन है, और सोडियम जो है वो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, दिस इज अ मर्करी इलेक्ट्रोड. अमलगम इज नथिंग बट द मर्करी है, अमलगम अपन मर्करी का बोलते हैं. अब अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द कैथोड इज मर्करी. हाँ तो ले लिया आपने. The maximum weight of mercury that will be deposited here will be. तो कितना mercury यहाँ पर deposit होगा वो बता दीजिए. ठीक है भाई, यहाँ पर mercury deposit करना है बिल्कुल, तो अपन कहेंगे भाई कितना इलेक्ट्रॉन पास किया आपने. तो क्लोरीन गैस लिबरेटेड इज द टोटल मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड. अगर क्लोरीन का रिएक्शन होगा ना, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस आइन विल गेट कन्वर्ट इन टू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. मतलब 2 मोल्स क्लोरीन लिबरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है जितने मोल्स इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन यूज भी होना चाहिए क्योंकि दैट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस. तो यहां पर अपने पास 2 मोल सोडियम डिपॉजिट होगा. 1 मोल सोडियम से 23 ग्राम डिपॉजिट हो सकता है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा, 23 × 2 दैट इज इक्वल टू 46 ग्राम. मतलब यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा तो यहां पर कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, 46 ग्राम्स. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जितने ग्राम सोडियम आएगा उतना ही मर्करी रिएक्ट करेगा क्योंकि दिस इज सोडियम अमलगम. तो ये 46 ग्राम हो गया, ये 2 मर्करी, एक मर्करी 200 ग्राम होता है, तो ये 2 मर्करी 400 ग्राम हो गया. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ तो अपन लिखेंगे भाई इसमें 446 ग्राम ऑफ आंसर इधर. तो जब सोडियम डिपॉजिट होगा तो मर्करी से रिएक्ट करके बनाएगा अमलगम, तो टोटल कितना ग्राम अमलगम बना भाई, 46 ग्राम अगर सोडियम डिपॉजिट होगा तो जितने मोल्स सोडियम डिपॉजिट होंगे 2 मोल्स उतने ही मोल्स मर्करी रिएक्ट करेंगे अमलगम बनाने के लिए. तो 2 मोल्स इसके, 2 मोल इसके, टोटल मास कितना बन गया होगा, इसका 2 मोल 46 ग्राम, इसका 2 मोल 400 ग्राम, तो टोटल अमलगम कितना बन गया, 446 ग्राम हो गया. मोल्स कंजर्व करना है तो अपन को पता है, मैंने लिखा हुआ है उसमें कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं. दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं. द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द 2 सल्फर एटम्स इन दिस इज Na2 S4O6. तो डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई देख लेते हैं. पहले आप मुझे उसका स्ट्रक्चर बताओ कि भाई Na2S4O6 का स्ट्रक्चर क्या होगा. Na2S4O6 वैसे अपने स्ट्रक्चर बनाना तो सीखा ही नहीं, तो फिर कैसे बता सकते, फिर तो नहीं बता सकते. फिर तो मैं कहूंगा कि मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, अपन बॉन्डिंग शुरू करनी है अपन को, ठीक है. तो अपन क्या करेंगे, अपन ऐसे लिख सकते हैं. तो इधर सल्फर ये इसका स्ट्रक्चर है, तो भाई मुझे बता दो आप क्या बनाना चाहिए तुमको, मैंने आपको बॉन्ड्स के हिसाब से बनाना सिखाया है कैसे बनाना है. ये इसका स्ट्रक्चर Na2S4O6. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इस वाले सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 इसलिए इसका +2 होगा, इसका -1 इसलिए इसका +1 होगा, इसका -2 इसलिए इसका +2 होगा, और इसमें तो सल्फर सल्फर बॉन्ड है तो 0 और 0 हो जाएगा. सेम फॉर दिस, इस बॉन्ड की वजह से 0 और 0, इधर -2 इसलिए ये +2, इधर -1 इसलिए +1,
इधर माइनस टू, इसलिए ये प्लस टू। तो किसी भी सल्फर के अराउंड कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है? प्लस फाइव। और दूसरे सल्फर पे जीरो। डिफरेंस पूछा है आपने तो मेरा आंसर आया फाइव। वी गॉट द आंसर, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन भी पूछा है, एट भी पूछा है। सेवन देख लेता हूं। सेवन में गिवन सेकंड का थ्री नहीं समझा, सेकंड का थ्री भी डाउट है। द टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस, टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज लिखा ना आपने, लिखो द टोटल चार्ज इज इक्वल टू टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू मोल्स इलेक्ट्रॉन। और टू मोल्स इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वन मोल का चार्ज कितना होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन? बोलो भाई, व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मैंने बताया आपको, तभी तो पूछ रहा हूं आपसे। 96500 है ना? चलो भाई, वन मोल होता है 96500 कूलम्स, तो दो मोल्स कितना हो गया उसका मल्टीप्लाई बाय टू। लो भाई आंसर आ गया, ठीक है ना? इतना कूलम्स हो गया, तो गिवन है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं अपन सेवेंथ वाले में मुझे गिवन था 29.2% वेट बाय वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ दिस मच, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज गिवन टू मी, द वॉल्यूम इन ml स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ दिस मच, ठीक है। वो कह रहा है मेरे पास ना एक स्टॉक है, ठीक है, इसमें क्या है HCl गिवन है, कितना 29.2% वेट बाय वेट, ठीक है। ये कह रहा है कि इसका डेंसिटी भी मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर एमएल, ठीक है। अब ये कह रहा है मुझसे द मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन टू अस, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस HCl। वो कह रहा है कि बताओ इसको अगर प्रिपेयर करने के लिए मुझे 200 ml ऑफ कितना प्रिपेयर करना है? 0.4 मोलर HCl, तो बताओ इसका कितना वॉल्यूम ले लें। तो अपन कहेंगे ठीक है, ये हो गया, तो अपन कहेंगे V1 ले लो, तो ये भी मिलीमोल्स हैं और ये भी मिलीमोल्स हैं, इतना मिलीमोल्स रिक्वायर्ड है, ये मिलीमोल्स मुझे चाहिए है। अब इसमें आपने मुझसे वॉल्यूम पूछा है और मोलारिटी आपने दे रखा है, ये तो है मोलारिटी इज इक्वल टू 10 ND, ये अपन एक शॉर्ट फॉर्म बनाया था 10 ND जैसे, हो गया 10 क्या था, तो मोलारिटी का फॉर्मूला था ना, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 वेट ऑफ सॉल्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलारिटी क्या हो गया, m इज इक्वल टू कितना गिवन है 29.2 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, और वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो डेंसिटी हो गया ये अपने पास, कितना गिवन है 1.25। लो आंसर आ गया, m1 है, v1 पूछा है, बाकी गिवन है, कैलकुलेट करके आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 तो मुझे गिवन है I negative ClO3 negative H2SO4 we are given this. The correct statement about the balance reaction is, अब balancing of reaction भी बताना है क्या 8th वाले में? बताओ भाई, balancing of reaction भी बताना है क्या? अभी भी balancing of reaction तो इतने बार पढ़ चुके हो आप, अभी भी बचा हुआ balancing of reaction? I negative को एक बार balance कर दो I2 के साथ, और ClO3 को बैलेंस कर दो Cl नेगेटिव के साथ, तो और उसमें ही आप ले लो मीडियम एसिडिक हो गया, तो एसिडिक मीडियम में आप लिख देना उसमें। तो अपन क्या करते हैं, इधर H2SO4 लेके
इधर अपन HSO4 नेगेटिव लिख देते हैं, तो बैलेंस भी हो जाएगा। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ये बैलेंस हो गया प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये बैलेंस है, वाटर बैलेंस कर देते हैं, है ना, बाद में अपने आप ही सब बैलेंस हो जाएगा, जरूरी थोड़ी है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा था ना, ये तो मीडियम था। तो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लेते हैं, इसमें Cl बैलेंस है, वाटर बैलेंस कर देते हैं, एसिडिक मीडियम है, तो H2O कितना 3, तो क्या हो जाएगा अपने पास 6H+ है, ये लो भाई 6H+ है ना, तो एक ये तो बैलेंस था प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, ऐड करके रिएक्शन बता दो, ये लो भाई। तो आप क्या करोगे, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6I नेगेटिव बना अपने पास, ClO3 नेगेटिव बना अपने पास, और ये देगा अपने लिए I2, और ये देगा अपने लिए क्या Cl-3H2O। अब क्या करें H2SO4 को बैलेंस करने के लिए, तो अपन कहेंगे भाई H2SO4 को आप मैनुअली बैलेंस कर देना, क्योंकि उसमें चेंज थोड़ी आ रहा था, तो इसमें I2 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना था अपन को, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है हो गया। अब H2SO4 है तो अपन कहेंगे भाई H2SO4 है तो इसको बैलेंस करना था HSO4 नेगेटिव से, तो इधर अपन ने H+ आयन को बैलेंस नहीं किया था, तो अपन यहां पर क्या करते हैं 6H+ आयन लिख देते हैं, अब बैलेंस कर देते हैं, ठीक है ना। तो टोटल H+ आयन इधर कितने हो गए, ये वाले तो 6H+ आयन इससे बैलेंस हो गए थे, इधर वाले बैलेंस कर देते हैं, ये लो भाई आपका रिएक्शन बैलेंस, टोटल रिएक्शन अपना बैलेंस हो गया, जो मर्जी चाहिए बताओ। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 नेगेटिव इज, तो HSO4 नेगेटिव में अपन क्या करेंगे, HSO4 नेगेटिव में कोई चेंज आ रहा नहीं, 2 आ रहा है अपने लिए, तो 6 गिवन है इसमें, तो I नेगेटिव इज ऑक्सिडाइज्ड, वो तो करेक्ट है, सल्फर गेट रिड्यूस, नहीं सल्फर में कोई चेंज नहीं है, H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो H2SO4 में एक बार हाइड्रोजन चेक कर लेंगे अपन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, अपन क्या करेंगे 6H+ आयन है, क्योंकि H2SO4 6 गिवन है, आना चाहिए अपने पास 2, इसलिए मैं वापस चेक कर रहा हूं, तो इधर अगर लिखूंगा तो सल्फेट ट्वाइस होगा, इसलिए मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, H2SO4 बैलेंस नहीं हो रहा, ये प्लस 6 है, ये प्लस 6 है, चेंज कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन बैलेंस नहीं है सल्फेट, क्योंकि यहाँ पर H2SO4 है, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मुझे हाइड्रोजन बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे, ठीक है भाई, तो अपन ना इसको अलग से बैलेंस कर देंगे, ये लो कर दिया, इसको हटा दो ताकि अपन उधर 6H+ आयन लिखें, अपन ने इधर 6H+ आयन लिखा, ये तो अपना रिएक्शन बैलेंस है, अब एक बार अपन चार्ज बैलेंस कर लेते हैं इसमें, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 1 Cl नेगेटिव 1 Cl नेगेटिव, करेक्ट है, अब अपन क्या करते हैं H2SO4 को बैलेंस कर देते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस मतलब सल्फर बैलेंस कर लेते हैं, सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, कितना हाइड्रोजन इधर 1H+ आयन, तो 1H+ आयन अगर मैं लिखूंगा तो इधर प्लस 6 है और इधर भी प्लस 6 है, तो अब इसमें तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन, उसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, इधर लिख लो, ये तो भी कुछ भी लिख सकता हूं, मतलब H2SO4 का जो भी दोगे आप ना मैं उसको लिख दूंगा, जो भी लिखोगे आप 6 लिखो, आप 5 लिखो तब भी करेगा, तब भी करेक्ट है, मतलब H2SO4 का आप मोलर कोफिशिएंट कुछ भी लिखो मेरे लिए सब करेक्ट है, क्योंकि रिडॉक्स नहीं है ना, रिडॉक्स तो ये वाला पार्ट था, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, अब H2SO4 को ऐसे लिखोगे तब भी मेरे लिए करेक्ट है, मतलब H2SO4 का कोई भी इक्वेशन लिखो, कोई भी लिखो नंबर, वो सारे के सारे अपन करेक्ट लिखे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा करेक्ट, क्योंकि मोर देन वन ऑप्शन था ना, आई नेगेटिव गेट ऑक्सीडाइज, ये तो आई रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं, सल्फर गेट रिड्यूस, नहीं सल्फर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, प्लस 6 इधर है, प्लस 6 उधर है, कोई चेंज नहीं आ रहा, H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, वो तो आ रहा था अपना, फिर ए पार्ट में गिवन था स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ HSO4 नेगेटिव इज 6, जो मर्जी चाहे लिखो, इसमें तो सारे ही करेक्ट है, क्यों चेंज आए नहीं तो दोनों तरफ बैलेंस तो हो ही जाएगा, सो ए बी डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं बेचा, 10th वाला,
10th वाले में गिवन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.1, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम इट्स मोलारिटी. अच्छा, मोलारिटी एंड मोलारिटी आर सेम, ठीक है. डेंसिटी इज गिवन टू बी द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट इज, ठीक है. इसको तो बता सकते हैं, ये पहले बताया हुआ है शायद, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज. तो अपन क्या करेंगे ना, उसमें आप ऐसे ले लो, एक बार मोलारिटी लिख लो और उसमें होता है मोल फ्रैक्शन, अपन को गिवन था कुछ. द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज गिवन टू मी 0.1, ओके. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ये मुझे गिवन है. अब 0.1 गिवन है तो ये तो 0.9 हो जाएगा बिना दैट. सो मोलारिटी इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन, ये अगर मुझे 0.1 गिवन है तो ये 0.9 गिवन है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MA लिख लूंगा. फिर उसने लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए अपन को, मतलब MB भी चाहिए मुझे, ठीक है. अब अपन लिखते हैं मोलारिटी, मोलारिटी की बात करते हैं. तो मोलारिटी हो गया, मोलारिटी विल बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है भाई. अब अपन क्या करें, तो अपन कहेंगे इसमें ना डेंसिटी मुझे गिवन है, तो डेंसिटी अगर मुझे गिवन है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था ना, तो मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो मुझे डब्ल्यू बी और डब्ल्यू ए ये दोनों को तो मैं इक्वेट करने वाला, ठीक है. अब मैं चाहता हूं कि उसमें और क्या कर सकते हैं अपन, ये देख रहा हूं, क्योंकि ये तो डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाय डेंसिटी होगा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, पर इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इज वेट ऑफ सॉल्यूशन. और माइनस कर सकते हैं अपन, क्यों करेंगे माइनस, क्यों करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रखते हैं. तो एक बार मेरे पास ये आ गया वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड द मोलारिटी आर सेम, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन टू मी, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज हाउ मच, आंसर अपना 9 आ रहा है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट रुकना, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपन को मोल फ्रैक्शन भी चाहिए. तो मोलालिटी एंड मोलारिटी आर सेम, ठीक. तो इसमें मैंने द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज गिवन, तो अगर मैं इसको मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो फायदा क्या, at 298 Kelvin the molarity and the molality of the solution are same, the density is given to us, the ratio of the molecular weight of solute and solvent is, solute and solvent is, the volume of the solution is also given but density given. तो वॉल्यूम अगर मैं 1 लीटर ले लू, अगर मैं वॉल्यूम 1 लीटर लेता हूं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को वहां पर ले जा सकता हूँ, कैंसिल हो जाएगा. अरे कोई मिनट देख लेता हूँ क्या बात है. द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलालिटी वाले पार्ट में कुछ तो अपन को सब्स्टिट्यूट करना होगा. अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो 1000 कैंसिल होगा. एक मिनट में इक्वेट करके देख लेते हैं,
अगर मैं इक्वेट करता हूं तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.3 मतलब 1/3, ठीक है, इनटू 1000 बाय एमए आ गया मेरे पास, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कैंसिल अगर होता है तो मुझे वेट ऑफ सॉल्यूशन, अगर मोलैलिटी और वो सेम है तो मोलैलिटी और मोलैलिटी तभी सेम हो सकते हैं, क्या करें इसको, क्या 100 ml इसको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को 1000 बाय डेंसिटी लिख लो, बट 1000 बाय डेंसिटी से फायदा क्या, 1000 बाय डेंसिटी से फायदा क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम ही रहना, तो क्योंकि मैं चाह रहा था कि भाई इसको भी मैं वेट लिख सकता हूं ना, मोलैलिटी के बराबर होगा, तो अगर ये मोलैलिटी के बराबर होगा तो मैं वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, ये वॉल्यूम और वेट एक जैसे ही हो जाएगा, सॉल्यूशन वॉल्यूम और वेट एक जैसा हो जाएगा, क्योंकि भाई डेंसिटी इधर, तो अगर मोलैलिटी लिखना है तो इसको वेट होना चाहिए, तो वेट और वॉल्यूम को इक्वल बोल रहा है वो, तो फिर भी अपन को कोई ना एक ऐसा ना डायरेक्टली आना चाहिए अपना, तो भाई एम बी अपॉन एम ए विल बी इक्वल टू दैट इज 9 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है अगर अपन को, तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं दैट इज वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेट बाय डेंसिटी, तो मैं इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नहीं वो ऐसे सब्स्टिट्यूट करना अच्छा नहीं होगा, मैं तो इसी को वापस मोल फ्रैक्शन में चलते हैं। मेरे पास आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज कितना, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू, मोलैलिटी विल बी इक्वल टू दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय लिखूंगा मैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मुझे गिवन है, और बात तो एक ही है अपने पास, क्योंकि टोटल मोल्स मैंने डिवाइड किया, एक मिनट रुकना है, क्योंकि इसको ना अगर अपन ज्यादा लिखेंगे तो फंस ना जाए, अपन तो कम लिखो और उसमें ये सोचो कि अपन क्या अज्यूम कर लें, अगर ये दोनों वैल्यू सेम बोल रहा है वो अपन से, ये दोनों वैल्यू सेम, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैलिटी, इसको अगर अपन ज्यादा फंस जाएंगे अपन, अगर अपन ज्यादा लिखेंगे तो मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये मॉलिक्यूलर मास होगा ना, नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे तो ऐसे क्यों लिखोगे आप, तो पहले और ऐसे लिखो, तो ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है ये वॉल्यूम के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये पार्ट तो मुझे इसमें भी चाहिए ये वाला पार्ट, और ये दोनों अगर बराबर है मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट एक जैसे है, मतलब सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो अपन अज्यूमिंग करेंगे कि भाई डब्ल्यू बी नेग्लिजिबल और डब्ल्यू ए इज नहीं, सॉल्व ही करते हैं, रुको मोल फ्रैक्शन ही लिखते हैं अपन, तो इसको मोल फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, रुको भाई, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड है एन बी, है ना, एन बी ये तो मोल फ्रैक्शन है, सॉरी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी ये मुझे 0.9 गिवन है, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूं, एक मिनट रुकना है, अगर मैं लिखता हूं कि भाई na अपॉन nb ना, अगर मैं इसको इन्वर्स करूं तो भी फायदा नहीं है उनका, कुछ रुकना कुछ तो गड़बड़ है इस वाले रेशियो से। हाँ सर, ये भी मुझे कंफ्यूज कर रहा था इसलिए मैंने हटा दिया,
मुझे लग रहा था ये भी कुछ है क्या डाटा, इसमें एन ए अपॉन एम बी का रेशियो मिल रहा है, तो अपन को मिलेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, है ना। तो ये अपन को गिवन है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9, गिवन है ना सर, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल कहां गिवन है। अच्छा मोलारिटी और मोलालिटी इक्वल गिवन है, अगर दोनों का मास इक्वल होगा द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट्स ऑफ दिस, द मोल फ्रैक्शन। हाँ पर आपने जो रिलेशन बताया था मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में, इससे करेंगे तो एक रिलेशन आएगा और फिर एक फॉर्मूले से एक रिलेशन आएगा, दो इक्वेशन लिखेंगे और फिर रेशियो आ जाता है। तो चाह रहा हूं कि मतलब पहले मैं एक रिलेशन ये लिख दूं, वही ना इसमें ना मतलब एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली तुरंत आना चाहिए दिमाग में, नहीं तो सब गड़बड़ जाता है। तुम कह रहे हो कि एक मोलैरिटी वाला रिलेशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 1000 लिख लेते हैं और माइनस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलैरिटी, एक रिलेशन ये है। हाँ और एक फॉर्मूले ये जो फॉर्मूला है, अच्छा ठीक है, अगर ये कह रहा है तो एक बार देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 विल मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कितना गिवन है एम ए, देखते हैं अपन, क्योंकि बड़ा इजी मतलब होगा, बस इक्वेशन अपन को बढ़िया वो करना है, सेट करना है कि भाई ये आ जाएगा अपने पास। डेंसिटी अपने पास 2 गिवन है, 1000 माइनस एम बी इंटू एम, 1000 को हटा देते, अपने पास आया 2000 माइनस एम बी इंटू उधर मल्टीप्लाई करेंगे एम डिवाइडेड बाय 0.9 दैट इज 9 एम, एम ए विल बी इक्वल टू मोलारिटी, मोलारिटी आया। सही किया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं सर? अगर हम क्वेश्चन में एम काट देते तो अच्छा रहता इस वाले में। अच्छा ये वाला कैंसिल ही कर दें। हाँ और फिर नीचे जो मोलारिटी है उसको एनएचएस में भेज कर एक रिलेशन आता है। अब तुम चाहते हो कि मैं इसको पहले ही काट दूं? हाँ। और अगर मैं इसको पहले ही काट दूंगा तो मेरे पास तो ये बचेगा भाई डेंसिटी इनटू 1000 इज इक्वल टू माइनस एम बी इनटू एम इज इक्वल टू 1000, पक्का ना? हाँ सर। और एक रिलेशन अपन बनाए मोलालिटी का ये वाला है। तो इसमें मैं मोलालिटी की जगह मतलब इसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर लूं, एक्चुअली एकदम मतलब वैसे कॉपी बैठ के फट से आता है, कई बार बच्चे मुझसे पूछते भी है, कई बार मेरे पास इसमें ये आता ना हर बार ना देखता हूं मैं। चलो 1/9 आएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम ए, चल देखते हैं क्या है। ठीक है मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1000 कैंसिल हो गया। अब अपने पास बचा क्या, 2 माइनस एम बी अपॉन एम ए इंटू 1/9 इज इक्वल टू 1, तो अपने पास आया 2 माइनस 1 इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम बी, उधर लेके गया राइट ना? नहीं, हाँ ठीक है, तो 9 एम ए अपॉन एम बी, ठीक है। तो अपने पास आया ये 1 विल बी इक्वल टू दैट इज एम बी इज इक्वल टू 9 एम ए
तो अपने पास आया एम बी अपॉन एम ए विल बी इक्वल टू 9। तो ये आ रहा भाई, ये गिवन है क्या अपने पास क्वेश्चन में? कितना गिवन है? यस सर, आंसर आंसर यही है 9 है तो हो गया। मतलब अपन को ना सबसे ऊपर मैं डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर ये वाला। हाँ सर, तो मैं इसको ऐसे कर दूं? हाँ सर, वो कट हो जाता है क्योंकि मास सेम है। हाँ सर, तो एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1/9, देयरफॉर एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू 9। हाँ सर, क्योंकि मास अपन को सेम गिवन है, डब्ल्यू ए ना वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम और डब्ल्यू ए अपन सेम अज्यूम कर रहे हैं ना। वो तो अपन को पहले भी मिल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था अपन को मतलब ऐसे प्रूफ देखना चाहते थे कि कुछ आ जाए कि आप कह रहे हो भाई मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोलारिटी इज इक्वल टू था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम और इसका वेट दोनों इक्वल है, मतलब ये डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी मतलब जो वेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो अगर वेट इक्वल है क्योंकि इसका डब्ल्यू बी और उसका डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अच्छा बाकी कुछ? हाँ, मोल फ्रैक्शन ही ले लेते हैं अपन, क्यों करते हैं? सही तो कह रहे हो भाई, अपन मोल फ्रैक्शन क्यों लें? अपन बाकी सारा पार्ट क्यों लें? आप तो सीधा सीधा लो ना कि मोलालिटी इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए और 1000 बाय एम ए। अब ये मोल फ्रैक्शन जो है ना 0.1/0.9, तो मोल फ्रैक्शन जो होगा वो तो अपने पास, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना मोल फ्रैक्शन, ये वाला पार्ट अपन को गिवन है वैसे तो। मॉलिक्यूलर मास आपने पूछा था, रेशियो हमने बता दिया भाई, बट मुझे ये ज्यादा अच्छा मेथड लग रहा है क्योंकि इसमें अपन ने इक्वेशंस पढ़े हुए, पर उसमें अपन को साफ साफ दिख रहा है ना क्या किया आपने, मोलारिटी का फॉर्मूला भी यूज किया, सब कुछ यूज किया उसमें, मतलब वो कैलकुलेशन मुझे ज्यादा अच्छा लगा। इसमें क्या होगा कि भाई 0.1/0.9 अपन को गिवन है इनटू 1000 डिवाइडेड बाय एम ए। अब अपन ने सिर्फ इस पार्ट को इक्वेट कर लिया कि भाई हमको तो पता है ना ये मोल फ्रैक्शन थे, तो टोटल मोल्स कैंसिल हो गए, रेशियो अपन को 0.1 गिवन है, वेट इक्वल है तो विल गेट 1/9, वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मच बेटर इज ये वाला पार्ट, मुझे ज्यादा अच्छा लगा, है ना। फिर क्वेश्चन था अपने पास, बस इतने ही क्वेश्चन थे ना, 12 भी है, 12th वाले में क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ दिस मच, इफ द डेंसिटी इज दिस मच द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। मुझे नहीं लगता इसमें अपन को ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा, ये तो बड़ा इजी है, ये तो सीधा सीधा इक्वेशन पूछा है अपन से, ये लिखा तो है। मोल फ्रैक्शन अपन को गिवन है तो मोलालिटी के फॉर्म में लिख लो, और मोलालिटी लिखोगे तो इससे इक्वेट कर दो, डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूट का मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास, मोलालिटी पूछा, क्या पूछा उसने, कहां गया मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हो गया भाई। मोल फ्रैक्शन अपन को गिवन है वाटर का, तो अपन मोलालिटी लिख लेते हैं भाई, मोलालिटी इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सो 0.05 डिवाइडेड बाय 1-0.05 इनटू 1000, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18, एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। मोलालिटी पूछा है, डेंसिटी गिवन है, बता देते हैं, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट को बता देते हैं, अब बताओ किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखा है, रिएक्शन ऑफ Br2 विद Na2CO3 गिव्स, हाँ तो ठीक है ना, ये तो अपने क्लास में पढ़ा हुआ है,
Br2 plus Na2CO3 will give you NaBr, sodium bromide plus sodium bromate. So, NaBrO3. ये लो भाई ये बन रहा है वो क्या? Along with the evolution of CO2, हाँ वो तो होगा ही क्योंकि Na2CO3 है, तो CO2 भी liberate होगा बिल्कुल. तो ये कह रहा है कि भाई CO2, the number of moles of bromide molecules involved in the chemical reaction. ये ना disproportionation reaction है. और डिस्प्रोपोर्शनेशन में अपन क्या करते हैं, साइन फैक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा था ना, ये लो हो गया, ये लो बैलेंस हो गया रिएक्शन. आप अपने आप बता देना, अब बताओ हो गया पार्ट टू. इसके पार्ट टू शायद अपन सारा कर चुके थे, इसका पार्ट टू एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन तो याद ही होंगे. इसके पार्ट टू का अगर कोई डिस्कस बचा होगा तो आप मुझे बता देना. लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेता हूँ. नहीं इसमें कुछ मतलब मुझे लग रहा है लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस अपन ने नहीं किए थे. आई थिंक 30-34 तक ही पूछा था तुम लोगों ने. अगर लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो आफ्टर 30 ना. कोई क्वेश्चन है तो आप बता देना. क्वेश्चन नंबर 12 भी बता दिया था शायद मैंने. अब बताओ कुछ और है इसमें तो मोल कॉन्सेप्ट में, अदरवाइज पीरियडिक टेबल डिस्कस करेंगे अपन. कोई अगर डाउट होगा तो अपन पूछ लेते हैं. ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए हुए हैं क्लास में 22, 23, 20 मतलब 37 ऐसे. 37 वाले में फेरस हाइड्रेटेड इज है ना हेप्टाहाइड्रेटेड. तो फेरस हेप्टाहाइड्रेटेड मतलब ऐसे 37 वाला. फेरस हेप्टाहाइड्रेटेड मतलब विल राइट लाइक दिस है FeSO4.7H2 that is ferrous heptahydrate is used to fortify foods with iron. ठीक है. The amount of iron, the amount in grams of the salt required to achieve 10 ppm in 100 kg of wheat. ठीक है. तो 1 ppm is equal to 10 to the power minus 6 होता है. तो अपन लिख देते हैं भाई कितना हो जाएगा. तो अगर 1 ppm कितने वीट में रखना पड़ेगा 10 की पावर 6 में. तो अपन क्या करेंगे भाई इसका ना 1 kg 10 की पावर 6 माइनस 6 kg में रखना पड़ेगा. तो 10 की पावर 6 kg कर लेते हैं अपन भाई. 10 की पावर 6 kg ऑफ वीट में 1 पार्ट्स पर मिलियन होगा. तो अपन ऐसे करते हैं कि 1 ppm इज इक्वल टू ये होता है. तो अपन क्या करेंगे ये मेरे पास वीट गिवन है. तो अगर वीट का सैंपल 10 की पावर 6 केजी होगा ना तो ये 1 ppm होगा 10 की पावर माइनस 6 केजी होगा ऑफ सॉल्ट. ये वाला सॉल्ट. और अगर ये 10 की पावर 6 केजी होगा तो इतना होगा. तो कितना गिवन है अपन को 1000 केजी होगा तो कितना होगा. तो ठीक है भाई देयरफॉर 1000 केजी होगा तो कितना होगा. तो the amount in gram of the salt required to achieve 10 ppm of iron in this. वो iron की बात कर रहा है, ठीक है ना? अपन पहले इसका molecular mass देख लें कितना है भाई, है ना? तो 10 की पावर 6 ग्राम में इतने ग्राम सॉल्ट है. तो इसको अगर 10 टाइम्स करेंगे तो अपन को इसको भी 10 टाइम्स करना होगा. मतलब अगर मैं इसको 10 की पावर माइनस 5 लिखूंगा 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 की पावर 5 केजी ऑफ सॉल्ट में इन 10 की पावर 7 केजी ऑफ हीट. ये सैंपल्स हो गए अपने पास. अब अपन क्या करें तो अपन कहेंगे द अमाउंट इन ग्राम ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव 10 ppm ऑफ आयरन इन 1000 केजी ऑफ 100 केजी ऑफ हीट. तो 100 केजी ऑफ हीट, ठीक है.
ये 10 की पावर 7 केजी में इतना है, तो 100 केजी में कितना होगा? 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय ये 100 हो जाए, कितना है अपने पास? देयरफॉर आई विल राइट दैट ये 100 है तो कैंसिल होगा, वो 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 5 हो जाएगा, राइट? केजी ऑफ सॉल्ट, इतना सॉल्ट हो जाएगा। अब अमाउंट अपन को किसमें बताना है? ग्राम्स में ना। सो अमाउंट इन ग्राम ऑफ आयरन, तो ठीक है भाई, 10 की पावर ये तो माइनस 10 हो गया, ये हो गया केजी ऑफ सॉल्ट, तो 10 की पावर माइनस 10 इंटू 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट है ना, ऑफ सॉल्ट, तो 10 की पावर माइनस 7 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो 10 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? Fe 56, सल्फेट 96, 7 वाटर मॉलिक्यूल, सो 108 नहीं, 108 कितना होगा? तो अपने पास होगा 126 ना, ये 126 ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, राइट ना, 288 ना, सो 288 हो जाएगा, और ये मोल्स ऑफ सॉल्ट, तो मास ऑफ आयरन 56 ग्राम ऑफ आयरन, बहुत कम आएगा अपने पास पीपीएम में, और अमाउंट इन ग्राम ऑफ आयरन ये तो बहुत कम आएगा, थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, पर नहीं, क्या किया इधर हमने, क्या किया, अगर 1 बिलियन पार्ट केजी है तो उसमें इतना केजी 1 ppm मतलब इतना केजी साल्ट होगा, ठीक है, वन पीपीएम में यही तो किया अपने, ठीक है, तो 1 ppm मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, मतलब 1 ppm का मतलब होता है 1 parts per million, मतलब 1 million में कितना पार्ट है, वही तो किया, तो अगर फॉर्मूला लगा के करूं तो एक बार चेक करता हूं, क्योंकि मेरा आंसर बहुत छोटा रहा है ना, नहीं आना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सैंपल हो गया 10 की पावर, मतलब टोटल पार्ट हो गया सॉल्यूशन का, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये तो लिखा मैंने, या वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सैंपल, तो 10 कितना होगा, तो 10 की पावर 5 हो जाएगा फिर, तो माइनस 5 तो लिखा तो था, तो 10 की पावर माइनस 5 भी तो लिखा था, केजी 10 की पावर माइनस 7 एक मिनट रुकना, ये एक बार 56 को डिवाइड करना 288 से कितना आ रहा है, आंसर कितना आता है, 56 डिवाइडेड बाय 56 डिवाइडेड बाय 288 कितना आ रहा है अपने पास आंसर, कैलकुलेटर आ रहा है, इतना छोटा आंसर तो नहीं है, इतना छोटा आंसर तो बहुत छोटा है, 55.85, 32 और 16 वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने आंसर में। फेरस हाइड्रेट हेप्टाहाइड्रेटेड सल्फेट इज यूज्ड टू फोर्टिफाई फूड्स विद आयरन, आयरन कंटेंट बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ आयरन इन ग्राम्स, सॉल्ट, आवाज मेरी नहीं कट रही, तुम्हारी कट रही है, आवाज तुम्हारी कट रही है, मेरी नहीं कट रही है, तो लेट अस चेक भाई
फेरस सल्फेट एक मिनट है, 10 ppm, 10 parts per million इन 1000 kg, 100 kg ऑफ वीट. 100 kg का मतलब हो गया 10 gram इन 10 × 10⁻⁵ ग्राम. एक मिनट रुकना, अपन आंसर में कुछ गड़बड़, मतलब आंसर में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. 4.4 ये आना चाहिए अपना 0.08. मोल्स अपना आना चाहिए कितना, हंड्रेड की चीज है तो ये क्वेश्चन में कौन से बोल रहा है कि आपके पास, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूं, है फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड इज यूज टू एड आयरन इन द फूड्स. मतलब मेरे पास ये बहुत सारा इसको अपन ऐड करते हैं हेप्टाहाइड्रेटेड टू एड द आयरन कंटेंट इन द फूड. अब ये कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ आयरन, इसमें अमाउंट ऑफ आयरन कितना आएगा रिक्वायर्ड टू अचीव. अब इसमें मैं चाहता हूं द अमाउंट ऑफ आयरन ऑफ द सॉल्ट रिक्वायर्ड टू अचीव. मैं कितना इसमें आयरन ऐड करूं कि इसमें इसको कितना ऐड करूं कि आयरन इसमें 10 ppm हो जाए ऑफ आयरन इन द, जो अपने चपाती बनाया उसको वीट लिखना है, 1000 kg ऑफ चपाती ये बोल रहा है भाई. मैं आयरन में ना इसमें, इसमें चपाती में आयरन ऐड करना चाहता हूँ. कितनी बड़ी चपाती होगी, 1000 kg की चपाती, तो इसमें कितना ये ऐड करें कि 10 ppm हो जाए, कितना ग्राम्स ऐड करें इसमें इसका. तो अपन कहेंगे अब ये इतना केजी चपाती है तो 1000 kg के चपाती में आप 10 ppm, तो 10 ppm का मतलब हो गया ये. मतलब हो गया अपने पास ये कितना 10⁻⁵ ppm को अपने कन्वर्ट कर दिया कि इतना मतलब आयरन ऐड करना होगा इतने में. तो अपन कहेंगे भाई ठीक है इसको, मतलब अब अपन ppm में क्या बोलते हैं, पहले अपन ppm को समझ लेते हैं. क्या ppm को अपन तब यूज करते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये काफी छोटा आ रहा है, मुझे इतना आंसर नहीं आना चाहिए, इससे काफी बड़ा आंसर आना चाहिए. ppm का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि 1 that is 10 ppm ऑफ SO2 इन एयर, इसका मतलब हो गया कि 10 ग्राम ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ एयर, ये होता है ppm. ठीक है, तो 10 ग्राम, 10 ppm का मतलब इतना हो गया. तो अगर अपन वही कंसेप्ट वहां लगाए कि भाई 10 ग्राम ऑफ FeSO4.7H2O इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ वीट, है ना, अपन ने लिखा दिस इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ वीट. अपन ने टोटल सैंपल ले लिया इसका. अब अपन ने कहा कि भाई अगर 10 ग्राम इतने ग्राम में प्रेजेंट है वीट में, तो देयरफॉर 100 kg ऑफ वीट है ना, तो अपन इसको ना 10⁵ ग्राम ऑफ वीट कर लेते हैं. अगर 10⁶ ग्राम वीट में इतना है तो 100 ग्राम मतलब 100 kg मतलब 10⁵ ग्राम इसको ना ऐसे लिख रहा हूं मैं. देयरफॉर अगर 10⁶ में 10 है तो 10⁵ में कितना होगा, ठीक है, 10⁵ ग्राम ऑफ वीट विल हैव. सर हाँ बोलो सर, उसमें क्वेश्चन में लिखा है कि 10 ppm ऑफ आयरन. टेन ppm ऑफ आयरन आयरन लिखा है, अबे हेप्टाहाइड्रेटेड कहा है उसने,
the amount in grams of this required 10 ppm of iron. अरे यार पूरा क्वेश्चन तभी तो गलत हो रहा है अपना. मैं सोच रहा इसका 10 ppm में बताओ आयरन कितना ऐड करें. इसका मास ऐड करना है अपन उल्टा कर रहे हैं. तो ऐसा उल्टा क्यों हुआ मुझसे. मैंने क्या सोच लिया भाई. ये तो मैंने पढ़ा फेरस हाइड्रेटेड इज यूज्ड टू. अच्छा वो पहले वाले सेंटेंस से मुझे ये लगा कि भाई इसमें 10 ppm आयरन इंक्रीज करना है बताओ ये कितना ऐड करें. और वो कह रहा है कि अच्छा भाई फेरस हेप्टा सल्फेट इसका तो कोई यूज ही नहीं है. द अमाउंट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्ट रिक्वायर्ड. अच्छा सॉल्ट मतलब ये रिक्वायर्ड और अपन आयरन रिक्वायर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं. द अमाउंट इन ग्राम ऑफ दिस सॉल्ट रिक्वायर्ड. The amount in gram of salt required to achieve 10 ppm of iron in 1000 ppm 1000 kg of 100 kg of wheat is. तो हो गया. फिर तो कुछ बचा ही नहीं अपने पास. ये लो भाई 10 ग्राम. अब जैसे होता है ना 10 ग्राम ऑफ SO2 इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर. तो 10 ग्राम ऑफ Fe अपन को चाहिए इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वीट. तो 10 की पावर 5 ग्राम ऑफ वीट विल हैव 10 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5. मतलब ये तो 1 मोल जैसे आ गया. यही तो आएगा. वीट विल हैव दिस मच ग्राम ऑफ Fe. अब 1 ग्राम Fe होगा तो मोल्स ऑफ Fe कैलकुलेट कर लेता हूं. मोल्स ऑफ Fe हो जाएगा 1/56 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्ट. और मास ऑफ सॉल्ट कितना कैलकुलेट किया था अपन ने 288 डिवाइडेड बाय 56. कितना आ रहा है ये आंसर देखना जरा. तो 4.9. यही तो पूछा है. तब से मैं दिमाग लगा रहा है कि मतलब मैं क्या कर रहा था कि FeSO4 से Fe कैलकुलेट कर रहा था और वो अपन से पूछ रहा है Fe से कैलकुलेट करो FeSO4. तभी तो अपना आंसर नहीं आ रहा था. आंसर आ रहा है सर. आ रहा है. लो भाई यार तू नहीं बताता ना तो फिर उसी में मतलब वो रहता. एक बार डायरेक्शन फिक्स हो गया ना उसी को ही चलता रहता फिर अपन. वो गलती मुझसे हुई और अपन से 15 मिनट खराब हो गए अपने. वो हर बार मैं क्या कर रहा हूं ना सॉल्ट से आयरन कैलकुलेट कर रहा हूं और वो पूछ रहा क्या आयरन से सॉल्ट. गलती मेरी. मुझे पढ़ना चाहिए था. मुझे लगा मतलब ये ना पहले मैं पढ़ा बता चुका हूं ये पार्ट सेकंड वाला पार्ट और ये पार्ट फिर से मतलब पूछ रहे तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा है ना कि यार तुम लोग फिर से पूछोगे तो ऐसे कैसे चलेगा काम है ना. बार बार मतलब एक ही चीज अगर अपन क्लास में डिस्कस करेंगे ना बहुत टाइम तो अपना क्लास भी जाएगा और बहुत दिक्कत भी होगी अपन को. और फिर पूछ रहा 36 भी है. 36 में क्या है भैया. पैराडॉक्स चेंजेस. पैराडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग इज रिएक्शन ऑफ दिस विद AgNO3. अब तो लिखो ना क्या प्रॉब्लम है. जो बाहर वाले Cl है ना अंदर वाला कुछ भी रिएक्ट नहीं करता उससे. तो 36 वाले का आंसर. अब रुक जाओ मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. देखिए अब मैं जल्दबाजी में जल्दी जल्दी बता दूं बस हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा. अपन को क्या करना था CO H2O6. अब मैं जल्दबाजी नहीं करना क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते ना सर आज पढ़ाओगे नहीं क्या आज सिर्फ मतलब आप क्वेश्चन बताओ. भैया क्वेश्चन ही तो सॉल्व करने हैं. वो ऐसे भी पूछना शुरू करते हैं सर आज पढ़ाएंगे नहीं क्या क्योंकि मैं तो मुझे सब आता है बस आप पढ़ाओ आज. मतलब आप डाउट बताना है तो फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा. कुछ बच्चे होशियार भी होते हैं तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है. तो उनमें ना अपन क्या करेंगे ये जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना स्क्वायर वाला ब्रैकेट है ना इसके अंदर वाला कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. तो स्क्वायर ब्रैकेट जब भी किसी मॉलिक्यूल में लगा हो ना तो उसके अंदर वाले कोई भी आयंस का कभी कोई रिएक्शन शो नहीं करना. वाटर में ऐड करोगे तो ये जो है ना स्क्वायर वाला ब्रैकेट तो जैसे मॉलिक्यूल्स होता है ना अपन ऐसे डिसोसिएट करते हैं
जैसे सीएल थ्री है, तो इसको जब वाटर में डिजोल्व करोगे ना वाटर में, तो ये ऐसे बना देगा, एक ये बनाएगा और थ्री सी एल माइनस आइन बनाएंगे, मतलब जो बाहर वाले हैं वो आइन्स में कन्वर्ट होंगे और जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो वैसे रहेगा। तो द रेडॉक्स रिएक्शन, ये तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, कोई रेडॉक्स थोड़ी है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज हो रहा है, प्लस वन है, ये भी प्लस वन होगा, माइनस वन है, माइनस वन है, इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। बी की बात करता हूं, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमोस्फियर, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसमें कौन से पूछा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, ओके, ये रेडॉक्स कैसे हो गया भैया, इतना रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, रेडॉक्स के लिए कम से कम एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन विद डाई ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और नाइट्रोजन का रिएक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, ये एलिमेंटल फॉर्म है जीरो, ये प्लस टू है, ये जीरो और ये माइनस टू है, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ तभी तो प्लस आया, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तभी तो माइनस आया, इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन, सी आंसर हो गया। H2SO4 with NaOH is a neutralization reaction, it is not a redox reaction. Question number 36 के बाद 31 भी पूछ रहा है। 31 वाले में given है मुझे 5 moles of AB2. Five moles of AB2 weighs this much and 10 moles of A2B2 weighs this much. तो मोलर मास ऑफ ए बी, दोनों का इक्वेशन बनाओ ना, क्या प्रॉब्लम है भाई, इसके 5 मोल है ए बी टू के, ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा अपने पास 5A प्लस 10B, और उसका वेट कितना गिवन है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 125 इंटू 10 की पावर माइनस 3 kg, ये गिवन है, और एक दूसरा गिवन है क्या, A2B2 के कितने मोल्स हैं, 10 मोल्स, मतलब मैंने इसको लिख लेना है 20A है इसमें और 20B है इसमें, और ये मुझे गिवन है कितना, 300, 10 की पावर माइनस 3 kg, तो दो इक्वेशन है ना, सॉल्व करो ना साइमल्टेनियस इक्वेशन और बता दो व्हाट इज द आंसर, MA और MB बताने, बिल्कुल बता देंगे भाई, एक इक्वेशन ये बन गया आपके पास, ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, इसमें ए और बी बताने, तो एटॉमिक मासेस आ गए अपने पास, ए और बी के कितने होंगे, फिर क्या पूछा उसने, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, हो गया ना, ये ए को मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ले लो, बी को मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी ले लो, ए और बी कैलकुलेट कर दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 23, में अपन से पूछा है 50 ml of 0.5 molar oxalic acid is needed to neutralize 25 ml of sodium hydroxide. The amount of NaOH in 50 ml of sodium hydroxide will be, हाँ तो ठीक है ना, the amount of NaOH in 50 ml of the given sodium hydroxide will be, हाँ तो ठीक है ना, amount calculate कर दो, oxalic acid given है H2C2O4, इसको NaOH से react करो, Na2C2O4 बनेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास गिवन है 50 ml of 0.5 molar, मतलब इसके मिलीमोल्स हो गए ये, और इसके मिलीमोल्स हो गए कितने, 25 into molarity गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसकी molarity, क्योंकि रिएक्शन तो बैलेंस है, जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उसके इसके मिलीमोल्स डबल होंगे, और वो किसके बराबर होने चाहिए, इसके बराबर, तो फिर कहेंगे भाई इसके मिलीमोल्स कितने हो गए, 2 × 50 × 0.5 लगे, मतलब जितने मिलीमोल्स इसके हैं उसके डबल मिलीमोल्स इसके होने चाहिए, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके डबल किसके हो जाएंगे, इसके, और वो किसके बराबर होने चाहिए, ये लो भाई, तो इसके ऊपर क्या करें, 100 × 0.5 × ये था तो 100 कर लेते हैं, तो मोलारिटी आ गया, अब अगर मोलारिटी आ गया अपने पास तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सो ये आया अपने पास कितना आया था 50, और 50 को 25 ना मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो 50 इंटू इसको ये 100 हो जाएगा, ये 0.1 × 2 कितना हो गया 1 ना,
सो 100 इज इक्वल टू 25 इनटू एम आ गया अपने पास। अब मोलारिटी आ गया अपने पास तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई अपने पास। क्या कितना आया क्वेश्चन गड़बड़ किया मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने गड़बड़ किया। ये हो गया 25 इंटू 250 होना चाहिए, तो m इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई कितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उस क्वेश्चन में, ये तो आ गया अपने पास मोलारिटी ऑफ दिस। अब ये कह रहे हैं कि जो NaOH आप यूज कर रहे हो, जो 25 ml यूज किया था, अगर उसका 50 ml गिवन बनाना है और उसका मोलारिटी 2 है, तो बताओ कितना मास लेना पड़ेगा। ले लेंगे, मोलारिटी है, वेट आपको चाहिए, मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 50 ml ले रखा है, तो ठीक है मोलारिटी कितना 2 है, वेट मुझे बताना है, मॉलिक्यूलर मास उसका 40 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 50 करना। लो भाई आपका आंसर आ गया, बाकी अपने आप कर लेना। कितने ग्राम चाहिए, फिर कहा गया, क्या था उसने क्या पूछा था, 22 भी पूछा। 22 में गिवन है अगेन द सेम थिंग, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर न्यूट्रलाइजेशन पूछा। फिर न्यूट्रलाइजेशन पूछा है, तो उसमें 10 मिलीग्राम ऑफ एफ्लोरेसेंट टैबलेट Na2CO3, भाई इसमें ना ये कह रहा है कि Na2CO3 का टैबलेट है और इसको ऑक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करवाओ, तो ये रिएक्शन हो गया, Na2C2O4 बनेगा प्लस NaOH, दैट इज CO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। तो मैं रिएक्शन बैलेंस कर देता हूं, ये रिएक्शन आपका बैलेंस है, हो गया बैलेंस रिएक्शन। अब क्या करना है आपको, 10 मिलीग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है इसका 10 मिलीग्राम है, तो 10 इंटू माइनस 3 ग्राम हो गया। अब ये कह रहे हैं कि CO2 इज गिवन टू अस, मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गिवन है, एंड ऑक्सैलिक एसिड रिलीजेस 0.2 ml ऑफ CO2 एट डिसमस टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है तो मुझे CO2 का नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कितने, PV अपॉन RT। इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 25 लीटर अंडर सच conditions, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द टैबलेट, तो ठीक है अपन को गिवन है, इसमें सोडियम कार्बोनेट जो गिवन था ना अपन को, ये जो टैबलेट है इसका कोई रोल नहीं है अपने लिए, ये बस इतना है कि ये 10 मिलीग्राम का टैबलेट है अपने पास और ये एक टैबलेट है, टैबलेट कंटेनिंग Na2CO3। हाँ तो भाई जो Na2CO3 इसमें प्रेजेंट होगा वो ऑक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा और लिबरेट करेगा CO2, जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही मोल्स Na2CO3 के होंगे, ये मोल्स ऑफ CO2 है, मोल्स ऑफ Na2CO3। CO2 के मोल्स कितना, प्रेशर आपको 1 गिवन है, वॉल्यूम आपको कितना गिवन था 0.25 ml गिवन है, मतलब डिवाइड बाय 1000, R का वैल्यू लिखो और T का वैल्यू लिखो, तो आपके पास आ गया ये, राइट right? तो अंडर सच कंडीशन 1 bar और इतना टेम्परेचर पे, तो ठीक है कोई बात नहीं, तो व्हाट इज द परसेंटेज, हाँ भाई ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स CO2 के इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इसका, मल्टीप्लाई करो किससे, उसके मॉलिक्यूलर मास से, तो इसका वेट आ गया Na2CO3 का, क्योंकि 10 मिलीग्राम तो किसका वेट है, टैबलेट का, तो उस टैबलेट में जो टैबलेट था ना उसमें थोड़ा सा Na2CO3 था और ये टैबलेट पूरा 10 मिलीग्राम का है, तो उसने अपन से क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज, तो आप कैलकुलेट करो जितने मोल CO2 के होंगे उतने मोल Na2CO3 के होंगे, Na2CO3 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो उसका वेट आ गया, डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स परसेंटेज, बता सीधा सीधा क्वेश्चन हो, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 2, ये तो पहले बताया होगा कई बार क्योंकि बहुत सारा पार्ट डिस्कस कर चुका हूं मैं इसका। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 3.6, एक मोल में एक ही वाटर है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3.6 इनटू 16, तो ये लो भाई वेट आ गया। अब बता देना,
अब अपन डिस्कस करेंगे, आपका मोल कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, अब अपन डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। आप मुझे बता दो पीरियोडिक टेबल में कहां से शुरुआत करनी है। एक्सरसाइज वन दिया होगा मैंने, पीरियोडिक टेबल की शीट है ना तुम्हारे पास? नो सर। पीरियडिक टेबल की शीट मैंने आपको भेजी थी, तुम्हारे पास होनी भी चाहिए। वो रजिस्टर से डाउनलोड नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो थी ना, इसलिए सॉल्व तो करना ही है ना अगर एग्जाम में आ रहा है तो आप मेरे ख्याल से हार्ड कॉपी उधर आ गया है अपने पास, सेंटर पे हार्ड कॉपी आ गया। मैं एक मिनट है पीरियडिक टेबल का वो निकाल देता हूँ, एक पीरियड टेबल शीट निकालना पड़ेगा। मुझे भी शीट ढूंढने में पीरियडिक टेबल ना मूल कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। अरे पीरियडिक टेबल की शीट मेरे पास भी नहीं है। पीरियडिक टेबल की शीट तो मैंने शायद भेजी थी तुमने उनको सॉफ्ट कॉपी, मैंने ही भेजी थी राइट ना, मैंने भेजा था तुम लोगों को। एक सेकंड मेरे पास होना चाहिए बेटा, मेरे पास नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगा। एक सेकंड सर, व्हाट्सएप पे भेजा है? व्हाट्सएप पे भेजा है हाँ, तो उसी से निकलता हूँ ना मैं, डाउनलोड क्यों कर रहा हूँ बार बार। एक मिनट रुको, फिर व्हाट्सएप पे, मुझे लगा व्हाट्सएप पे नहीं है, नहीं है अपने पास। व्हाट्सएप पे शीट है अपने, एक सेकंड रुकूंगा। पीरियडिक टेबल मैंने खुद ही शीट भेजा और भेजा नहीं करा। पीरियडिक टेबल के नोट्स भी भेजे ना मैंने, वापस भेजा मैंने। अच्छा भेज दिया, हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, ये अच्छा किया उसने वापस भेज दिया, गुड। उसको फिर मैं, हाँ बताओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ना अपना, काफी टाइम वेस्ट हो गया है तो उसमें क्वेश्चन में ना, क्योंकि पहले मैंने बताया है सेकंड वो ना, मेरे दिमाग में पूरा यही चल रहा है कि तुम लोग ना अगर अपन कंप्लीट नहीं कर पाए ना पीरियडिक टेबल तो गड़बड़ हो जाएगी पूरा। चलो बताओ एक्सरसाइज वन में कोई डाउट है? एक्सरसाइज वन के पार्ट वन में E1 में एक्सप्लेनेशन देना है, पार्ट वन में E1 उस पर लिख दो तुम, क्योंकि कई बार फिर आवाज ठीक नहीं आती ना तुम लोगों की।
ए टू का ए, ए टू का ए क्या बताऊ, बी वन ए फाइव, बी वन चेक कर लेता हूं पहले। बी वन में गिवन है अपन को टेल द रिलेशन बिटवीन द जेड इफेक्टिव एंड जेड एल डेल्ट, एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली। हाँ तो ठीक है ना, जेड इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज स्क्रीन्ड, तो दिस इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ना इन न्यूक्लियस विच विल पुल द इलेक्ट्रॉन्स, but this these are the electron which are screening the valential electron, so electron screening the outer electrons, to ye kya effective nuclear charge, effective number of protons, proton pulling the electrons, that is। उसके बाद कुछ ए भी पूछा था पार्ट वन का ए टू, रुको भाई एक मिनट, तो ए टू का ए, ठीक है मैं ए टू का ए वाला पार्ट देख लेता हूं, ए टू तो एक ही है मेरे पास। व्हाई द थर्ड मॉडर्न पीरियडिक टेबल टेक्स टेक्स एट एलिमेंट एंड नॉट एट, क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते ए टू वाले में, तो डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तो उसमें एट ही इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे पी और राइट एस से सी वन सी टू पी बी प्लस फोर इज अ गुड वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यस ड्यू टू द एनर्ट पेयर इफेक्ट, पढ़ा है ना बट मैं पार्ट वन की बात कर रहा हूं अभी सिर्फ, पी बी प्लस फोर को अपन ने एनर्ट पेयर इफेक्ट में अच्छे से पढ़ा हुआ है, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। C2 वाले में गिवन है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, हाँ तो ठीक है ना, टॉप टू बॉटम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ता है ना इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो बिस्मथ प्लस 5 लेस स्टेबल देन आर्सेनिक प्लस 5 इज लेस स्टेबल देन एंटीमोनिक प्लस 5 आर्सेनिक प्लस 5, ये तो एक ही ग्रुप का एलिमेंट है ना, दिस इज ऑफ 15th ग्रुप, दीज आर ऑफ 13th ग्रुप, तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, तो इसमें अगर ऐसे होता तो फिर इसको ज्यादा स्टेबल बोलते हैं, Bi प्लस 3 मोर स्टेबल देन Sb प्लस 3 ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड दिस विल बी दैट इज As प्लस 3, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। A2 वाले में मतलब उसमें गिवन है कि सेकेंड पीरियड एलिमेंट में देर इज नो डी ऑर्बिटल्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट देर इज नो डी ऑर्बिटल, देर इज नो दैट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो अपन एस और पी में अकोमोडेट कर सकते हैं ना वो 2+6 है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट किए जा सकते हैं सेकंड पीरियड में, दैट्स व्हाई देयर शुड बी ओनली 8 एलिमेंट्स। अब बताओ पार्ट टू सर, बोलो सर, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट थर्ड ग्रुप के थर्ड पीरियड के वालों को क्यों चुना जाता है, क्योंकि वही उनमें थर्ड पीरियड वालों को इसलिए ना, क्योंकि अभी जैसे अपन ने सेकंड पीरियड देखा तो थर्ड पीरियड में क्या होता है ना कि डी ऑर्बिटल होता है, जैसे एनसीएल 3 बनेगा एनसीएल 5 नहीं बनेगा बिकॉज उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, पीसीएल 3 भी बनेगा और पीसीएल 5 भी बनेगा, दिस इज ऑफ थर्ड, ये सेकंड पीरियड था ये थर्ड पीरियड था, फोर्थ पीरियड होगा तो अपन कहेंगे इसके बाद जैसे अपन लिखते हैं आर्सेनिक, तो एएससीएल 3 भी बनेगा एएससीएल 5 भी बनेगा, मतलब फास्फोरस सारे ग्रुप के प्रॉपर्टीज को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है रादर देन नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन में एनसीएल 3 तो बन रहा है लेकिन एनसीएल 5 नहीं बन रहा, जबकि सारे दूसरे एलिमेंट्स जो होंगे वो बाकी सारे के सारे 5 भी बनाएंगे और 3 भी बनाएंगे, तो नाइट्रोजन 5 नहीं बना पा रहा है,
because of the absence of d orbitals. सी वन मैंने आपको बताया और पार्ट वन का इवन भी पूछा है किसी ने, पर एक बार इवन भी देख लेते हैं क्या है. व्हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉर एवरी एलिमेंट, वी ऑलरेडी नो दैट बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. भाई ऑब्वियसली बात है, अगर मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है और मैग्नीशियम प्लस वन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय 12 प्रोटॉन और यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द 12 प्रोटॉन. ऑब्वियसली बात है ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा इसमें, तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस. क्लास में पढ़ा अपन ने, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजेस. पार्ट वन का D3 भी किसी ने पूछा, एक सेकंड है अपन देखते हैं. इन द आयनिक कंपाउंड Kf, K एंड F आर फाउंड टू हैव प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इक्वल रेडियस, 1.34 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. What can you predict about the relative atomic radii of potassium and F? हाँ तो ठीक है ना, आप कह रहे हो कि भाई K पॉजिटिव और F नेगेटिव का रेडिया इक्वल है, ठीक है ना, तो अपन कहेंगे ठीक है. आपने मुझे बताया था कि न्यूट्रल एटम का जो रेडिया होता है ना, उससे अगर कैटाइन बनाओगे तो इसका रेडियस ऑलमोस्ट इससे हाफ होगा, इसका रेडियस हाफ होगा ऑलमोस्ट इससे, तो अपन बताएंगे भाई पोटेशियम का रेडियस ऑलमोस्ट डबल होगा इससे या बड़ा ही होगा, ऐसे बता देंगे. और मैंने आपको बताया कि अगर किसी न्यूट्रल एटम को उसके एनायन में कन्वर्ट करो तो साइज बिकम ऑलमोस्ट डबल, मतलब इसका साइज जो होगा वो ऑलमोस्ट डबल रहा होगा इसके साइज से. मतलब अगर इसका साइज 1.34 है तो इसका साइज अपन कहेंगे दैट विल बी नियरली 0.75 एंगस्ट्रॉम, और इसका साइज अगर 1.34 यूनिट एमस्ट्रॉन्ग यूनिट है तो इसका साइज विल बी ऑलमोस्ट 2.5 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, ऑलमोस्ट डबल रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो तो उसका साइज ऑलमोस्ट हाफ के जैसे हो जाता है, राइट. फिर आपने किसी ने एफ डी वगैरह कुछ है नहीं, एफ टू पूछा है किसी ने. एफ टू में नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेयर एज ऑक्सीजन हैज नेगेटिव, हाँ बिकॉज नाइट्रोजन हैज लिखा था आपने. विच आर द एलिमेंट, बिकॉज इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को एड करना मुश्किल होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा ना हाफ फिल्ड, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को एड करना मुश्किल होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव. और वैसे भी अपन ने लिखा था अल्कलाइन अर्थ मेटल, नोबल गैसेस एंड नाइट्रोजन, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते. सो नाइट्रोजन हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकॉज इट्स स्मॉल साइज एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल. लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन में ये पार्शियली फिल्ड है ना, तो ज्यादा स्टेबल थोड़ी होता है पार्शियली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन ले सकता है. F1 भी पूछा है, बेरिलियम एंड नियॉन हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल अपन ने लिखा हुआ है, राइट. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगेंस्ट द जनरल ट्रेंड इन देयर पीरियड, हाँ बिकॉज नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. जब फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे ना वो, देन दे हैव स्टेबल कॉन्फिगरेशन. क्योंकि फुली फिल्ड ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि अगर P6 है और फिर इसमें मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो नया सबशेल जनरेट करना पड़ेगा आपको. नया सबशेल क्यों जनरेट करेंगे, मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरे पास नियॉन ऐसे है, आपके पास नियॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन फील्ड है, अब इसको इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो. इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करें भाई, इसका मतलब अगर इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एक शेल जनरेट करना पड़ेगा मुझे, और सेम शेल में अगर एडिशन या रिमूवल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको डिफरेंट शेल से कोई प्रोसेस करना है तो फिर वो डिफिकल्ट होगा. इसलिए बॉन्डिंग हमेशा सिर्फ एक ही सेल से होता है और वो वैलेंस शेल है. तो कभी भी अगर कहीं भी हमें एक्स्ट्रा शेल जनरेट करना है या इनर सेल से इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने अगर, बहुत मुश्किल है इस कंपेयर टू इससे निकालना. पढ़ा भी है, मान लो मेरे पास ऐसे है
तो अपन ने कहा तो भाई ये एल्युमिनियम है, इसको निकालो इसको निकालो इसको निकालो। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये वन, ये टू, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ह्यूज डिफरेंस होगा थर्ड और फोर्थ में। रीजन, क्योंकि आप इनर्शियल से निकाल रहे हो। तो जब भी इसमें नोबल गैसेस में भी सबशेल फुली फिल्ड है, इसमें भी सबशेल फुली फिल्ड है, तो उस केस में वो काफी ज्यादा स्टेबल होंगे, तो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। हमने क्लास में काफी अच्छे से लिखा हुआ है इसको, वर्ड्स में भी और नोट्स में भी डिस्कस, मतलब काफी अच्छे इलेबोरेट करके बताया है। फिर A5 भी पूछा है, मैं A5 देख लेता हूँ भाई। अच्छा, वो पार्ट टू का A5 होगा मेरे ख्याल से, ऑलमोस्ट सारे बता दिया मैंने। पार्ट वन का D3 बता दिया, C1 भी बता दिया, बस पार्ट टू को चलते हैं। पार्ट टू का, पार्ट वन का E3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, E3 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट वन में, पार्ट वन में E3 का फर्स्ट पार्ट कहाँ है? पार्ट वन में E3 का फर्स्ट पार्ट है नहीं। पार्ट टू में देख लेते हैं अपन। तो पार्ट टू कहां पर है E1 का? E3 कहां लिखा हुआ है? E3 का पार्ट वन विच एलिमेंट? हाँ, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी ना? हाँ, तो बताओ ना इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें जो नॉन मेटल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो और बता दो, बोरॉन, कार्बन, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम कम होती है, इधर से इधर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, कार्बन होगा। अब उसमें वेरिएशन में भी अपन को डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसका मतलब सेंटेंस अपन ने पढ़े ही नहीं। आप एक बार अच्छे से रिवाइज करो भाई आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह, क्योंकि अपन ने सब कुछ क्लास में पढ़ने के बाद इतना डाउट्स नहीं होना चाहिए तुमको, और उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करो। फिर पार्ट टू में आपने पूछा है C1 C2 C4, रुको, सी पार्ट पे पहुंच गए ना सीधे, सब लोग सी पे पहुंच गए, मतलब ABC कोई डाउट, सी पे आ गए। C1 है, अबे रुको तो, अच्छा पार्ट टू का A1 भी है, रुको अब C1 बताऊंगा पहले। द नेट एटॉमिक नंबर ऑफ विच एलिमेंट कैनॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। तो पहली बात तो ये है, अपन ना क्या करेंगे कि 13th ग्रुप एलिमेंट वाले तो +3 शो करेंगे ही करेंगे, जो बोरॉन और ऐसे होते हैं। कौन सा एलिमेंट शो नहीं कर सकता ऑक्सीडेशन स्टेट +3? तो बताना होगा भाई कैसे, अब देखते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को बताना है ना, तो ये एलिमेंट्स उसने बताया कि कौन सा, जैसे मैं क्लोरीन लिख लेता हूं, अब ऐसे आप सभी के लिए बता सकते हैं, जैसे मैं बता रहा हूं Cl है 17 हो गया, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं 1s2 2s2 p6 3s2 p5। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब कुछ जो होता है वो वैलेंस शेल से होता है, बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ वैलेंस शेल से होता है, इनर शेल का कोई रोल नहीं होता उसमें, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे उसको ही लिख लेते हैं भाई, ये 3s हो गया और ये 3p हो गया, 3d खाली पड़ा होगा, ये 3p है और ये 3d है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिखेंगे। अब जब हमें किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट करना है ना, तो देखो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन ऐसे बताएंगे, क्लोरीन अगर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देना है बिल्कुल इसको, तो -1 अगर मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 आएगा, तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने ऐसे कहा कि भाई अगर मेरे पास Cl है, इसको किसी से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दे देते, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना,
तो इसमें प्लस वन लिखते हैं, फिर इसमें माइनस वन। हो गया, मतलब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो वाई माइनस वन ओनली, अगर किसी से शेयर कर ले तो आपस में दो क्लोरीन, मतलब ऐसे कर ले तो अपन कहेंगे वो भी हो सकता है, इसपे भी जीरो चार्ज, इसपे भी जीरो चार्ज, मतलब Cl2 होगा तो भी जीरो चार्ज, तब भी ऑक्टेट। हमें ऑक्टेट कंप्लीशन या बॉन्ड फॉर्मेशन से चेक करने, ऑक्सीडेशन से, तो अपन कहेंगे ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, और क्या हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, मतलब ऐसे कर ले, Cl है और ये फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये फ्लोरीन के सेवन इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पे माइनस वन आएगा, इस पे प्लस वन आएगा, मतलब ये अब इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये इसके इलेक्ट्रॉन है सेवन, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहा है, तो प्लस वन भी आ सकता है, क्योंकि तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो प्लस वन भी हो सकता। तीन ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये किसी Cl के साथ शेयर कर ले तो भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि फिर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दोनों पे, अगर Cl Cl एटम से होगा तो। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देके उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ही रहा है, अपना भी कर लिया, क्योंकि अपन ऐसे लिखे ऑक्टेट कंप्लीशन, तो भी वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। अब अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, ऐसे अपन बता सकते हैं इसको। अगर मान लो मैं ऐसे कर लू, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मैं इसको थोड़ा सा एनर्जी देता हूं, आयनाइज करते हैं ना जैसे अपन, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहां लेके जाता हूं, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाऊं ऐसे, तो अभी भी तो इसमें सेवन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी भी अगर इसमें सेवन इलेक्ट्रॉन है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूं, ये सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एट बना ले, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके, कैसे अपन ऐसे बताते हैं। नाइट्रोजन है, इसके पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीन सीएल से इलेक्ट्रॉन लेते हैं ऐसे, तो सीएल के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब अब ये, क्योंकि जब तक ये ऐसे था इसमें एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन था, और अगर किसी एटम को कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो उसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाना होगा शेयरिंग करने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसे क्या करना होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अभी ये एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो मैंने एक एक बॉन्ड ही लिखा बस। तो अगर मैं इसमें, क्योंकि डी तो खाली पड़ा हुआ है ना, मैं इसमें और अनपेड बना सकता हूं, कैसे, थोड़ा एनर्जी देते ना, थोड़ा एनर्जी दूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर लेके गया, अब कितने अनपेड हो गए, तीन, तो ये तीन बॉन्ड बना सकता है भाई, किसी से शेयर कर ले एक एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन थर्ड के साथ शेयर किया, तो अब ये तीन इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, एक एक इलेक्ट्रॉन, इसने नहीं लिए, ये लेगा तो क्या होगा, ये टू फोर सिक्स एट टेन, अपन ऐसे बात काउंट करना शुरू कर देंगे, तो अपन कहेंगे नहीं भाई, इसने तीन अलग अलग जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, ठीक है, तो अपन कहेंगे जैसे अपन NCl3 बनाते हैं, और अभी तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट से ही सीख लेते हैं, मॉलिक्यूल बनाऊंगा तो कहोगे अब स्ट्रक्चर भी बताओ, तो अपन तो ऐसे करते हैं कि भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन बनाओ, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे उतने बॉन्ड बन सकते हैं, कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री प्लस थ्री हो गया, फिर एक और बना सकते हैं क्योंकि अभी भी ये खाली पड़ा हुआ है, अब कितने अनपेड हो गए, पांच, तो बनाएगा पांच, फिर तो मैं इसको भी उधर ले जा सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है, बताएंगे ना, सेवन, तो सेवन भी बनेंगे प्लस सेवन, ये इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बनते जाएंगे ये इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे अपन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताएंगे। तो कुछ कंपाउंड बना के दिखा दो, हाँ तो ये है ना कंपाउंड, बहुत सारे बना देंगे अपन को क्या करना पड़ेगा, ये लो इसमें सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, इसमें सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, इसमें सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, और इसमें भी सीएल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, ये सारे कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आपको आता है,
ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बिल्कुल आता है। आया? ये प्लस वन है, ये प्लस थ्री है, ये प्लस फाइव है और ये प्लस सेवन है, और ये सारे कंपाउंड अपन ने पड़े हुए हैं। परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड लास्ट टाइम ही पढ़ा दिया गया। पक्का? ठीक है, अब अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन में अब ये वैलेंस शेल है उसका, तो मैंने आपसे कहा बॉन्डिंग सिर्फ वैलेंस शेल से होती है, इसलिए जो भी रिएक्शन अपन को करना है, जो भी करना है वो वैलेंस शेल से ही करना होता है। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अपन क्या करेंगे, या तो नाइट्रोजन किसी से तीन इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्टेट कंप्लीट कर ले माइनस थ्री, या तो किसी को तीनों इलेक्ट्रॉन दे दे तो भी माइनस प्लस थ्री, और जीरो तो हो गई क्योंकि नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म होगा। नाइट्रोजन में पांच कोवेलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन से कभी नहीं बन सकते, मतलब ऐसे ऐसे नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि नाइट्रोजन में मैं कभी भी पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता। इसमें इसलिए बना लेते भाई, इसमें तो मैं इसको भी बनाया था और इसको भी बनाया था, सेवन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए मैंने, इसमें होंगे ना सेवन कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन मैं नाइट्रोजन में कभी नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, और डी ऑर्बिटल नहीं है इसलिए मैं इसको अनपेयर्ड नहीं बना सकता, क्योंकि डी ऑर्बिटल है ही नहीं भाई, सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। और तभी तो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले आपने कि NCl3 एग्जिस्ट करेगा, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, NCl3 एग्जिस्ट करेगा, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो भाई ठीक है, मान लिया। अब अपन देखते हैं कि इसमें जो लिखा हुआ है उसके बेसिस पे अपन क्या करें, मतलब ये तो आपने बता दिया मुझे, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं कि जो क्वेश्चंस गिवन है मुझे उसके बेसिस पे बताओ आप। तो C1 में मुझे 13 मतलब 283, ये तो प्लस 3 बताएगा, पहले वाले में कोई डाउट नहीं। अब 32 की बात करते हैं, 32 का मतलब हो गया जर्मेनियम, जर्मेनियम का मतलब हो गया कार्बन वाले ग्रुप, कार्बन वाले ग्रुप का मतलब हो गया प्लस 2 या प्लस 3 होगा, प्लस 4 होगा, इसमें प्लस 3 हो ही नहीं सकता, 14th ग्रुप है ना भाई। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NH2P2, अब बताओ ये कैसे बना सकता है स्टेबल प्लस 3, या तो इन दोनों को निकाल के अपन कहेंगे ये फुली फिल्ड है तो प्लस टू होगा, उन दोनों को निकालोगे तो इससे फिर दोनों निकालने पड़ेंगे आपको, तो अपन कहेंगे फिर प्लस फोर होगा। पढ़ाए तो है आपने, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं प्लस थ्री प्लस टू प्लस थ्री, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं तो भाई इसके होंगे प्लस टू प्लस थ्री, इसका प्लस वन प्लस थ्री, इसका प्लस टू प्लस फोर, इसके क्या होते हैं तो अपन कहेंगे भाई इस केस में नाइट्रोजन के प्लस थ्री प्लस फाइव। वो क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। इसका क्या होता है NH2P1, ये NH2P2 और ये होता है NH2P3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो प्लस थ्री बन गया, ये दो और निकाल दो प्लस फाइव बन गया, ये दो इलेक्ट्रॉन निकालो प्लस टू हो गया, चारों निकाल दो प्लस फोर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकालो प्लस वन हो गया, और तीन इलेक्ट्रॉन निकालो तो प्लस थ्री हो गया, 33 ये बन जाएगा। क्योंकि 33 का मतलब है यहां पर आपने लिखा है गैलियम, ये जर्मेनियम है और ये आपका फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक हो गया, इसमें हो जाएगा क्योंकि ये 32 है 33 है 17, वो तो अभी बताया मैंने प्लस थ्री, तो 17 देख के मैंने क्लोरीन का आपको एग्जांपल दिया। C1, अब किसी ने C2 भी पूछा था, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2 ऑफ द एलिमेंट इज, हाँ तो ठीक है ना, देखते हैं कि किसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर शेल इज 6, द
देख लेते हैं क्योंकि उसमें स्टेबल बन जाएगा ना, सिक्स होगा तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गोल्ड इज, गोल्ड का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, प्लस थ्री या प्लस वन? भाई गोल्ड के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक प्लस थ्री होता है एक प्लस वन होता है, और मोस्ट स्टेबल कहेंगे तो अपन तो कहेंगे जीरो। बताओ भाई, गोल्ड इज अ इनर्ट मेटल, अगर जीरो आंसर है तो उसी को बताऊंगा जीरो, इट्स एलिमेंटल फॉर्म, वो तो किसी से रिएक्ट ही नहीं करता। तो गोल्ड किसी से रिएक्ट करेगा तो फिर ऑर्नामेंट कैसे बनेंगे, फिर तो सारा कुछ बारिश हुई थोड़ा सा उसमें डिजोल्व हो गया, एसिड वाटर। सी फोर विच कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन, अभी जैसे क्लोरीन बताया ना प्लस बी और माइनस बी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब में प्लस बी है माइनस बी है, फ्लोरीन का मोस्ट ट्रस्टेबल एटम, वो किसी का कभी हो ही नहीं सकता पॉजिटिव। सोडियम इट कैन हैव ओनली प्लस, एल्युमिनियम इट कैन हैव ओनली प्लस, दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स। सी फाइव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज माइनस थ्री से प्लस टू प्लस फाइव सारे के सारे, कैसे यू नो एनएच थ्री एन टू एच फोर हाइड्रोजन, देन वी कैन राइट दैट है ना N2H2, then we can write that N2, N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5, sorry ke sorry, तो नाइट्रोजन के तो सारे हो गए बट उनके कंपाउंड्स में होंगे, तो स्टेबल तो अभी आपने माइनस थ्री बताया था, जीरो बताया था, प्लस थ्री बताया था, हाँ तो स्टेबल पूछोगे तो बता दूंगा नाइट्रोजन का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस थ्री जीरो प्लस थ्री प्लस फाइव, दीज आर द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बाकी भी एग्जिस्ट करते हैं बट इन कंपाउंड्स, जैसे सीएल अभी अपन ने काफी सारे देखे। सी पहले सिक्स लिख लेते हैं, द मेटल मेटल एग्जिबिट द वन ऑक्सीडेशन स्टेट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन आयरन, आयरन में प्लस टू भी होता है प्लस थ्री भी होता है। सी सेवन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच सबशेल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, विच सबशेल भाई डू नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग ना, तो एनएस टू पी वन होता है, एनएस टू पी टू होता है और एनएस टू पी थ्री होता है, दिस इज थर्टींथ ग्रुप फोर्टींथ ग्रुप फिफ्टींथ ग्रुप, तो ये वाले जो हैं वो क्या करेंगे, इट विल टेक पार्ट इन बॉन्डिंग बट ये वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो NS2 वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं करता, तो अपन बता देंगे कौन सा सबशेल, S वाला सबशेल 6S2। थैलियम शोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, TL का प्लस वन होता है और TL का प्लस थ्री होता है, ये TL इसमें होता है प्लस थ्री एंड प्लस वन, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से प्लस वन ज्यादा स्टेबल है। C10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो अपन कहेंगे TL प्लस वन ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए पहला वाला गलत हो गया। PbO2 इज ग्रेटर देन PbO, नो PbO इज ग्रेटर देन PbO2, रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से छोटा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। BF5 इज ग्रेटर देन BI3, दैट इज करेक्ट बिकॉज बिस्मथ है ना, BI3 है ना, और वैसे तो दोनों ही प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट है इसलिए इनको स्टेबल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इट्स ऑर्डर इज करेक्ट, व्हाई इट इज सो, क्योंकि छोटे एटम को किसी एटम के पास बिकॉज इसमें बॉन्ड जो होंगे ना छोटे होंगे, बिस्मथ का फ्लोरीन के साथ बॉन्ड छोटा होगा और बिस्मथ का आयोडीन के साथ बॉन्ड बड़ा होगा, अगर बॉन्ड बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो ब्रेक नहीं होगा, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनाएंगे तो स्टेबल होंगे वो नहीं होगा, इसलिए छोटे बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। लास्ट वाले में दे आर इक्वली स्टेबल, नो नो दे आर नॉट इक्वली स्टेबल, Sn प्लस टू इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम प्लस टू, फिर आपने यहां पर लिखा हुआ है दैट इज C10 के बाद और कोई A1B और C3, मैंने C तो सारे ही बता दिए मैंने बिकॉज मुझे लग रहा था C काफी पूछ रहे हैं तुम लोग, तो C10 भी बता दिया मैंने, F4 F15 भी है मैं देख लेता हूँ, ठीक है कुछ A1 वगैरह भी पूछा है, बनी पर चेक कर लेते हैं A1 में क्या है भाई,
even we given at the period number of the long form of periodic table is equal to the magnetic quantum number period number in the long form of periodic table. हाँ तो period number मतलब number of shell के बराबर होता है ना period number. Principal quantum number. Principal quantum number. फिर उसके बाद पूछा है F. E4 A5. रुको A5 भी पूछता हूँ. A5 में क्या गिवन है? Atomic number is 47. In the same group, the atomic number of the element placed above is 29. Oh, पढ़ा था ना तुमने coinage metals, copper, silver, gold. ये 47 है, तो ये 29 है. तो 18 minus कर दो या फिर उससे 47 से. फिर E4 भी पूछा है और D2 भी पूछा है, तो पहले D2 देख लेते हैं. शायद D2 मैंने बता दिया, नहीं बताया. D2 देख लेता हूँ. एटॉमिक रेडियस और एलिमेंट. ओ माय गॉड, ना तो क्लास भी है. रुको, मेरा 415 पे क्लास था. ये रुकते हैं, डी सेक्शन शुरू नहीं किया अपने, नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे डी सेक्शन. ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. मेरा 415 पे क्लास था इसलिए अभी मैं बंद करूंगा, दूसरा क्लास शुरू करूंगा, है ना. अपन नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे इस पर. तुम लोग कंप्लीट कर लो सेकंड इसका मतलब पीरियडिक टेबल का एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर लो. एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करो अभी. थैंक यू.